देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने शहर के लिए कुर्बानी दी है, शहीदान वतन जो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान की बलिदानी दी है, जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गेजेट में मालेगांव शहर के 7 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक मालेगांव शहर के इन 7 शहीद जो 1921 में अंग्रेजों को मालेगांव से बाहर भगाया और 3 दिन हमारे तारीखी किले पे हिंदुस्तानी परचम लहराया, 1922 में उन शहीदों को ये जालिम अंग्रेज उन्हें फांसी दे दी, फ्रीडम फाइटर इस मुल्क के शहीद उन शहीदों के नाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ना जुल्म था तो पहले ही कह दिए होते कोई क्यों अपनी जान गंवाता। हमारी महानगर पालिका से, महाराष्ट्र सरकार से अपील है कि संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं, संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं। इन शहीदों का नाम दिल्ली के लाल गेट पे जहां 1476 शहीदों के नाम लिखे हुए मुल्कों के, उनमें हमारे मालेगांव शहर के 7 शहीदों का नाम लिखा है। और मालेगांव महानगर पालिका आज देखिए आप 26 जनवरी के मौके पर इस उल्टी बंदूक जिसे शहीदों की वीरों की निशानी बताई जाती है उस पर 2 कतरा पानी मार के साफ सफाई तक नहीं करी। इस शहीदों की उल्टी बंदूक की तौहीन है ये, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए या महानगर पालिका ये वाजे करे कि ये इमारत किसके लिए, ये वाजे करे कि ये इमारत किसके लिए बनी है, किसके नाम के लिए बनी है, वो तो बता देवे। क्यों ये इमारत, ये चौक महरूम है? हमारी शहरियान से गुजारिश है कि इन शहीदों ने इनकी कुर्बानी की वजह से आज हम देश आजाद हुआ है। हमें 26 जनवरी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर हिंदुस्तान हमारा जमहूरी मुल्क है, संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी खुशियों को मनाएं, लेकिन उस खुशियों के साथ साथ इस देश को जिन्होंने आजाद कराया, जिन्होंने अपनी जान की बलिदानी दी, उन्हें हम याद करें। हमारी माननीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सीएम साहब, नरेंद्र मोदी जी से जिन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सर विकास तो जाने दीजिए, जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन्हें इंसाफ दिला दीजिए, इन शहीदों के नाम को बाइज्जत तरीके से, जिस तरीके से लीगल तरीके से गजट में उनका नाम है उसी तरीके से उन शहीदों के नाम को मालेगांव शहर में डिक्लेयर करके और एक चौराया नहीं पूरे शहर के चौक चौराहे पे उसे लगाने की परमिशन दी जाए। हमारी यही मौजूदाना गुजारिश है कि आप कोई मुसलमान वतन के लिए अगर जो अपनी जान देने आता है तो उसकी कुर्बानी को फरामोश मत करो, वरना कल कोई जवान आगे नहीं बढ़ेगा। इन देश के शहीदों के साथ खिलवाड़ होगा तो कल कोई जवान हिम्मत नहीं करेगा देश के लिए कुर्बानी देने के लिए। मेरी सरकार से अपील है कि इन शहीदों के नाम को बाइज्जत तरीके से लिखा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।